एंड चलिए आज थाल पोस्ट बनाएंगे। उसके लिए हम पहले फाइव चेन कर लेते हैं गाँठे लगा के, 1 2 3 4 5 फाइव चेन करके हम इसे राउंड कर ले रहे हैं, बांध ले रहे हैं यहाँ चेन में लगा के ऐसे, ठीक है। उसके बाद से फिर हम 1 2 3 3 चेन करेंगे, ठीक है। डबल फंदे लेंगे, ट्रिपल क्रोशिया हम यहाँ बनाएंगे, ठीक है। इसमें पूरा हम पूरा चारों तरफ से राउंड में 18 कर ले रहे हैं, ठीक है। ऐसे डबल फंदे ले लेके 18 हम बना ले रहे हैं ऐसा, ओके। चारों तरफ से 18 बनाने के बाद सब इसे ज्वाइंट करके कट कर ले रहे हैं पहले, ओके। अब ये बनने के बाद से अभी हम इसमें ग्रीन कलर्स बनाएंगे, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से बनाए हैं इसे बांध के चेन करेंगे हम इसमें, ठीक है। तो चेन हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 चेन कर रहे हैं हम, ठीक है। 20 चेन करके फिर सेम होल में सेम जगह पे ऐसे ही फिर ऐसे ज्वाइंट कर ले रहे हैं, ओके। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 फिर 20 चेन करेंगे फिर सेम होल में ऐसे ही ज्वाइंट कर लेंगे ऐसे, ओके। फिर एक बार और करते हैं 20 चेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 चेन फिर करके फिर सेम होल में, ठीक है। ऐसे 3 टाइम हम 20 20 चेन करके इसमें हम ज्वाइंट कर लिए हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद से हम 1 2 2 चेन करेंगे, ठीक है। 2 चेन करके इसमें 1 2 3 3 छोड़ देंगे, फिर यहाँ पे हम ऐसे ज्वाइंट कर ले रहे हैं ऐसे, ठीक है। उसके बाद फिर ऐसे ही 20 20 चेन करके फिर 3 टाइम इसमें भी बनाएंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 चेन करके फिर इसमें फिर 3 टाइम ऐसे ही फिर इसमें भी बना लेंगे हम, ओके, जैसे यहाँ बनाए हैं। फिर उसके बाद 3 टाइम बनाएंगे फिर 3 छोड़ेंगे और 2 चेन करके फिर यहाँ पे जैसे यहाँ किए हैं 2 चेन करके यहाँ पे फिर 3 ऐसा बना लेंगे, ठीक है। पूरा हम 6 इसमें आएगा, 18 है ना, 3 करेंगे 6 आएगा, 6 हम ऐसा बना लेते हैं 3 चेन का ऐसे 20 20 चेन करके, ओके। हम पूरा 3 जगह बना लेते हैं चारों तरफ से, देखिए ऐसे बना लिए हम, 3 के एक होल में बनाए हैं 3 ये 20 20 चेन करके, ओके। उसके बाद से हम फिर 1 एंड 2 2 चेन करके लास्ट में हम यहाँ इसमें ज्वाइंट करके कट कर ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद से अब दूसरे कलर से हम फ्लावर बनाएंगे, ओके। ऐसे यहाँ से फिर ज्वाइंट करते हैं, 1 2 3 फिर ट्रिपल क्रोशिया हम बनाएंगे यहाँ पे 3 चेन करके और डबल फंदे लिए ऊपर, ठीक है। यहाँ से हम ऐसे ही सेम बनाएंगे, उसके बाद से 1 चेन कर लेंगे मिडिल में, ओके। फिर डबल फंदे लेंगे फिर यहाँ पर भी 2 बना लेंगे ऐसे, ठीक है। उसके बाद से फिर डबल फंदे लेंगे हम फिर बगल वाले में ऐसे बनाएंगे, 2 पहले बना लेंगे फिर 1 चेन करेंगे, ठीक है। ऐसा 1 2 ट्रिपल क्रोशिया यहाँ 2 बना लेंगे फिर 1 चेन कर लेंगे फिर यहाँ पे 2 बनाएंगे, ओके, ऐसे। फिर डबल फंदे लेंगे फिर ये वाले में, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ऐसे फिर यहाँ पे भी 2 कर लेंगे
और उसके बाद से ये दो बना के एक मिडिल में चेन लेंगे, फिर दो बनाएंगे ऐसे ही। अब चारों तरफ से हम राउंड में बना ले रहे हैं। ओके, देखिए इसके बीच बीच एक एक चेन है, बस ये दो बना के फिर एक चेन किए हैं, फिर ऐसे ही ये बना लिए हैं। ठीक है, अब ऐसे ही पूरा चारों तरफ से हम राउंड में बना ले रहे हैं। चारों तरफ से हम बना के आ गए हैं, ट्रिपल क्रोशिया हम बनाए हैं, एक चेन में हम चार बनाए हैं, दो बना के एक चेन बीच में किए हैं, फिर दो बनाए हैं। ठीक है, ऐसे पूरा चारों तरफ से हम बना लिए हैं। अब हम इसमें जॉइंट कर ले रहे हैं ऐसे। ठीक है, इसे जॉइंट करने के बाद से अब हम फिर मिडिल में ऐसे ही डायरेक्ट ऐसे आ जा रहे हैं जो एक चेन किए हैं उसमें। ओके, अब यहाँ पर भी हमें एक दो तीन तीन चेन कर लेंगे, उसके बाद फिर डबल फंदे, यहाँ भी ट्रिपल क्रोशिया ही बनाएंगे अब। ठीक है, तो यहाँ पर भी अब डायरेक्ट यहाँ बनाना है हमें दो तीन चार, सेम होल में ही हमें बनाना है ऐसे, पांच छः सात एक आठ, आठ बनाने के बाद से हम ये मिडिल में है जो चेन के यहाँ पे ये जो चेन बनाया है इसके बीच वाला ऐसे यहाँ पे हमें ऐसे ही डायरेक्ट ऐसे जॉइंट करना है। ठीक है, फिर उसके बाद से हम फिर डबल फंदे फिर लेंगे और फिर ये चेन के बीच में जो बनाए हैं ये यहाँ पे एक चेन किए हैं, यहाँ पर अब हमें ऐसे यहाँ पर फिर बनाना है हमें। ठीक है, यहाँ भी आठ बना लेंगे, पूरा एट बना लेंगे यहाँ भी ट्रिपल क्रोशिया, तीन चार पाँच छः सात आठ, एट फिर यहाँ बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर इसके बगल में ये यहाँ दो छोड़ के यहाँ पे फिर ऐसे इसे बांध लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद से फिर यहाँ पर ये होल है इसमें भी हम अब फिर डबल फंदे लेंगे, फिर एट ऐसे बनाएंगे, फिर यहाँ दो छोड़ के ये है जो जगह यहाँ पे फिर बांध लेंगे ऐसे राउंड अप होने के लिए। ठीक है, फिर चारों तरफ से अब हम ऐसा बना लेते हैं पूरा पूरा। चारों तरफ से बना के आने के बाद से देखिए अब इसमें हम जॉइंट करके इसे कट कर लेंगे। देखिए अब इसके बाद से फिर हम इस पर बनाएंगे। फिर डिजाइन के लिए अब हम वाइट कलर यूज करेंगे, कहीं से भी चालू करते हैं। ये देखिए आठ आठ पूरा बनाए हैं, एट एट पूरा है, फोर फोर पे हमें ऐसे करना है, फोर छोड़ के फोर पे ऐसे। ओके, अब हमें चेन करना है, इसमें हम टेन चेन करेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, टेन चेन करके फिर इधर वाले पे फोर छोड़ के फिर फोर ऐसे। ओके, फिर एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, फिर टेन चेन करके फिर इधर भी ऐसे फोर छोड़ के फिर फोर पे ऐसे। ठीक है, पूरा हम राउंड में ऐसे ही पूरा ऐसे टेन टेन का पूरा राउंड में कर ले रहे हैं हम। चारों तरफ से बनाने के आने के बाद से यहाँ पे हम जॉइंट करके कट कर ले रहे हैं इसे। ओके, उसके बाद से फिर हम कहीं से भी फिर चालू करेंगे। ठीक है, ऐसे मिडिल से एक दो तीन, फिर तीन चेन कर लेंगे, फिर डबल फंदे। ओके, फिर ट्रिपल क्रोशिया यहाँ बनाएंगे। ओके, यहाँ फाइव बनाएंगे ट्रिपल क्रोशिया, ऐसे दो तीन चार
5, एक और बना ले रहे हैं हम, ठीक है 6 यहाँ बना ले रहे हैं, ओके ट्रिपल क्रोशिया यहाँ पे 6 बना लिए, ओके उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 5 चेन करेंगे, ओके फिर डबल फंदे लेंगे, फिर ये वाले में हम ऐसे ही 6 फिर बना लेते हैं, 1 ऐसे ही पूरा हम चारों तरफ से राउंड में बना ले रहे हैं, ये देखिए ऐसे 6 पूरा बनेगा हर एक होल में, जितना ये चेन वाला बनाए हैं हम इसमें सारे में 6 बना ले रहे हैं हम, फाइव एंड 6 ओके उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 फिर 5 चेन करेंगे, फिर इसमें बनाएंगे ऐसे ही हम चारों तरफ से राउंड में ऐसा बना ले रहे हैं। देखिए ऐसे बनने के बाद से अब हम फिर ऐसा सेम ऐसा बनाएंगे हम, यहाँ पे चेन हम बनाए हैं उससे अलग थोड़ा चेन यहाँ पे एक्स्ट्रा बनाएंगे हम, ओके तो कहीं से फिर से चालू करते हैं हम, ये 6 बनाए हैं पूरा, इसमें 3 के बीच में ऐसे फिर चालू करेंगे, ओके सेम ऐसे बनाना है हमें, तो यहाँ पे हम 20 चेन किए हैं, यहाँ पे हम 30 चेन करेंगे, ओके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 30 चेन करेंगे, ओके 30 चेन करके सेम वही चीज़ें करना है हमें फिर से, सेम होल में ऐसे ही बनाना है हमें, ओके 3 फिर इसमें भी हम बना लेंगे 30 करके 3 बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 फिर 30 बनाएंगे, 30 बना के फिर हम फिर इसमें यहाँ पे सेम प्लेस पे फिर ज्वाइन करेंगे ऐसे, ठीक है फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 फिर 30 करके फिर यहाँ पे, ठीक है ज्वाइन कर लिए, उसके बाद से हम 1, 2, 3, 4, 5 5 चेन करके हम यहाँ ऐसे ज्वाइन कर ले रहे हैं इसे, ठीक है फिर 1, 2, 3, 4, 5 फिर 5 चेन करके हम फिर ये 3 छोड़ के फिर मिडिल में ऐसे हम ऐसे कर ले रहे हैं, उसके बाद फिर 30 करके हम पूरा 30 करके ये पूरा हम फिर 3 यहाँ बना लेंगे, उसके बाद ऐसे ही बनाएंगे पूरा यहाँ ऐसे 5 चेन करके फिर ये बांध लेंगे और फिर यहाँ ऐसे ही बनाएंगे, ओके 30 का ही पूरा बना रहे हैं चारों तरफ से ऐसे, ठीक है हम चारों तरफ से ऐसे बना ले रहे हैं, चारों तरफ से 3 का बना लिए हैं पूरा, ये पूरा 30 चेन किए हैं, एक चेन ये एक राउंड जो किए हैं इसमें देखिए एक जगह पे 3 हम बनाए हैं पूरा चारों तरफ से बना लिए हैं पूरा, ओके अब इस पे फिर सेम ऐसा ही बनाना है हमें, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ये बनेंगे स्टिचेस ज़्यादा होंगे, कहीं से फिर चालू करते हैं हम 1, 2, 3 फिर 3 बनाएंगे, अब हम यहाँ दूसरा कलर लगाए हैं देखिए येलो कलर लगाए हैं, फिर यहाँ पे आपको चाहिए तो सेम कलर ही बना सकते हैं, ट्रिपल क्रोशिया हम बनाए यहाँ पे, ठीक है 2 बना लिए, उसके बाद 1, 2, 3 3 चेन कर लेंगे मिडिल के लिए, ठीक है फिर यहाँ पर भी 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे हम यहाँ पे 3, ठीक है ऐसा, उसके बाद से फिर डबल फंदे लेंगे, फिर इसमें भी आ जाएंगे, इसमें बनाएंगे सेम ऐसा, अब इसमें बना लेंगे हम ऐसे,
फिर एक दो तीन, फिर तीन चेन कर लेंगे, फिर डबल फंदे लेके फिर दो और इधर बना लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही अब पूरा बनेगा। ओके, फिर डबल फंदे लेंगे, फिर ये वाले में बनाएंगे। एक दो तीन, फिर डबल फंदे, फिर यहाँ पे दो। ठीक है, उसके बाद फिर ये वाला ऐसे ही डायरेक्ट इसे पकड़ेंगे, फिर यहाँ पर बनाना स्टार्ट करेंगे सेम ऐसे ही। अब चारों तरफ से सब पूरा पूरा बना ले रहे हैं हम ऐसा, चारों तरफ से ये येलो कलर से बना लिए हैं। ओके, अब इसके बाद से ऐसा सेम बनाना है इधर हम, तो इसके लिए पहले हम यहाँ ज्वाइंट कर ले रहे हैं। ज्वाइंट करने के बाद से अब ये जो बीच में थ्री चेन बनाए हैं हम, इस पर अब हमें बनाना है। ओके, आपको चाहिए तो यहाँ टू चेन भी रख सकते हैं, लेकिन हम थ्री चेन रखे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर भी एक दो तीन, तीन एस चेन कर लेंगे, फिर डबल फंदे लेंगे, ट्रिपल क्रोशिया यहाँ भी बनाएंगे हम। ठीक है, एक में यहाँ जैसे यहाँ पे बनाए हैं हम, सेम ऐसा बनाना है यहाँ हमें। तीन चार पाँच छः सात एक आठ, यहाँ हम आठ आठ ही बना रहे हैं। ठीक है, नीचे भी आठ आठ ही बनाए थे इधर। ओके, एट का ही इधर बनाए थे, एट यहाँ भी बना रहे हैं। अभी बना के यहाँ पर है, इसमें हमें ऐसे बांध लेना है। ठीक है, फिर एक दो, दो फंदे लेंगे, फिर इसमें भी बनाएंगे सेम आठ ऐसे बना के जैसे नीचे बनाए हैं, सेम चारों तरफ से अब बना ले रहे हैं राउंड में। ऐसे ही अब हम पूरा बना ले रहे हैं, पूरा राउंड में बना ले रहे हैं। देखिए मेरा थालपोश बन के तैयार है, पूरा पूरा हम बना चुके हैं चारों तरफ से। इसमें झालर लगाने को नहीं होगा, इसमें लगाने का सोचेंगे तो, क्योंकि ये पूरा एकदम पास पास हुआ है और ऐसा पूरा। ठीक है, ये झालर टाइप का खुद ही हो गया है फ्लावर। ओके, ये थाली के साइज का है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा कि कोई भी वीडियो डाले तो नोटिफिकेशन मिले। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।